हेलो वियर्स, आज का सुविचार, रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। अगर बुरे वक्त में कोई आकर यह कह दे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो बस ये शब्द ही व्यक्ति के लिए औषधि बन जाते हैं। लोगों के लिए आप तब तक अच्छे हो जब तक आप उनकी उम्मीदों को पूरा करते हो, और आपके लिए उस समय तक सभी लोग अच्छे हैं जब तक आप उनसे कोई उम्मीद ना रखो। कामयाबी के रास्ते में हाथ पकड़ने वाले कम और पैर खींचने वाले ज़्यादा मिलेंगे। कुदरत का नियम है, अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पिछली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है, जबकि अधिकांश लोग अगली सीढ़ी पर चढ़ना तो चाहते हैं परंतु पिछली सीढ़ी को छोड़ना नहीं चाहते। जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, उस समय तक आप किसी दूसरे का तो क्या, अपना भी भला नहीं कर सकते। हमारा व्यवहार लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है, अर्थात हमारा व्यवहार सरल तो लोगों का सरल, और हमारा जटिल तो लोगों का व्यवहार भी जटिल हो जाता है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, पर करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। पढ़ने में सेकेंड लगता है, सोचने में मिनट लगता है, समझने में दिन लगता है, और साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है, वो है विश्वास। नेकी करते वक्त किसी से उम्मीद मत करो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं, भगवान देगा। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं दोस्तों, अपना दिल भी दुखाना पड़ता है किसी औरों की खुशी के लिए। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। मुझ पर अपनों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद यूं ही उधार रहने दो, बड़ा हसीन है ये कर्ज मुझे कर्जदार रहने दो। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे, तो समझ लेना कि जीना आ गया। निष्फलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उससे भी कठिन है। यदि हवाएं मौसम की गर्मी समाप्त कर सकती हैं, तो विश्वास कीजिए कि दुआएं भी मुसीबत के पल खत्म कर सकती हैं। रिश्तों को शब्दों का मोहताज ना बनाएं, अगर अपना कोई खामोश है तो खुद ही आवाज़ उठाएं। चाहे हो या दोस्ती, एक बार जो लत लग गई तो छोड़ना मुश्किल है। अगर कोई आपको याद नहीं कर पाता तो आप कर लीजिए, रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं किया जाता। प्रेम की भावना मनुष्य को कभी हारने नहीं देती, और घृणा की भावना कभी जीतने नहीं देती। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आज़ाद रहती है, किंतु तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। अपनी भाषा, अपने विचार और अपने आप पर विश्वास करें। सत्य पर चलने वाले परेशान हो सकते हैं, पराजित नहीं। व्यूअर्स, मिलते हैं कल ऐसे ही एक सुविचार के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।